और वहीं वाराणसी को दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर की सौगात मिलने वाली है। स्वेद महामंदिर मेडिटेशन सेंटर का पहला चरण तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 18 दिसंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। इस मेडिटेशन सेंटर में करीब 20,000 साधक एक साथ बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। वाराणसी में यह दुनिया का सबसे विशाल मेडिटेशन सेंटर बनकर तैयार है। 17 और 18 दिसंबर को अपने वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी स्वर्वेद महामंदिर धाम मेडिटेशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे। इस महामंदिर का निर्माण ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्था ने कराया है। संस्था की शताब्दी वर्षगांठ पर इस मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। करीब 2.5 लाख वर्ग फीट में बने इस मेडिटेशन सेंटर का पहला चरण पूरा हो गया है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर 17 और 18 दिसंबर को आ रहे हैं और 18 दिसंबर को दिन की शुरुआत वह जिस महामंदिर से करेंगे वे सर्वेद महामंदिर है। अगर इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता की बात करें तो अपने आप में बहुत ही ये अलौकिक और अद्भुत महामंदिर है जो सर्वेद महामंदिर धाम के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 180 फीट ऊंचा है और इसमें लागत लगभग 100 करोड़ रुपयों की लग चुकी है। ये महामंदिर खूबसूरत पत्थरों पर उकेरी अद्भुत कला से सजाया गया है। करीब 100 करोड़ की लागत से बना ये मेडिटेशन सेंटर करीब 20 साल में बनकर तैयार हुआ है। पूरी दुनिया में बिना कमरों का ऐसा 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर कहीं नहीं है। मंदिर की दीवारों पर करीब 4,000 श्लोक अंकित हैं। विहंगम योग संस्थान के शताब्दी वर्षगांठ पर 25,000 कुंडलीय स्वर्वेद महायज्ञ भी होगा और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वर्ष 2004 से इस स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और लगभग 20 वर्षों में प्रथम चरण के निर्माण की अब पूर्णता है। 18 दिसंबर को इसका लोकार्पण होने जा रहा है। तो ऐसा स्थान जहां लगभग 20,000 साधक और साधिकाएं एक साथ एक समय में एक स्थान पर बैठकर विहंगम योग की साधना का अभ्यास कर सकते हैं, तो हमारी संस्कृति के मूल में साधना है। जितना हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें हमारे जीवन का, उतना ही भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। विहंगम योग संस्थान के मुताबिक इस संस्थान से प्रधानमंत्री का पुराना संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी की माँ और भाई संस्था के कई समागम में शामिल हो चुके हैं। 18 दिसंबर को इस महामंदिर के उद्घाटन समारोह में करीब 3 लाख लोग जुटेंगे। इस समारोह में देश के तमाम राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यौरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।